हाय भाइयों, राम राम। कैसे हैं आप सब? होप जो हम आए थे सीएनजी का काम करवाने के लिए, भाई मिल गए हैं। उन्होंने शॉप खोली अभी, ये यहाँ पे हैं दीना बैटरीज के नाम से। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कभी तुम लोग सोचो कि स्पॉन्सर वीडियो है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। बस भाई के पास काम करवाने आए हैं तो अच्छा लगा, तो सोचा कि देखते हैं कैसे काम होता है ये भी। और आप लोगों को पता ही है कि मैं थोड़ा इनोवेटिव डालता हूँ कि कुछ पता तो लगे, देखने वाले सब्सक्राइबर्स को, लोगों को कुछ पता लगे, कुछ हेल्प मिले। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं, और भाई ने ही बोला कि दिखाते हैं कैसे क्या होता है। आइए चलो देखते हैं। जय श्री श्याम। आपका नाम क्या है भाई? वैसे भाई का नाम है राहुल। और अपने पास कौन सी बैटरीज होती है, मतलब बेसिकली? जो मेन ब्रांड्स है ना सारे। अच्छा, मतलब ये बाइक की और कार्स की सारी बैटरीज अवेलेबल हैं भाई के पास? ट्रैक्टर सब की। अच्छा, बेसिकली एमेरॉन की है आपके पास ना बैटरी? एमेरॉन और एक्साइड की। सोनीपत में अगर कभी हो, आप लोगों को चेंज करवानी हो, बदलवाना हो, तो यहाँ पे आ सकते हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, देना बैटरीज जहाँ पे हम आए हैं अभी। और ये है बाइक की। वैसे किस किस रेंज की जो हमारी है वो मतलब बैटरीज हैं, मतलब कौन सी बारे में कुछ बता सकते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं। अपना टाइम लीजिए, बताइए। मतलब जैसे बाइक का कौन सा है, मतलब जो ओरिजिनल जेन्युइन बैटरीज हैं एमेरॉन की, वो विद गारंटी, विद गारंटी वारंटी, विद जीएसटी बिल और प्रॉपर बिल के साथ आपके पास? बिल के साथ, ए टू जेड गारंटी के साथ आपको। जैसे इसमें है, यहाँ पे ये रखी हुई है, इनमें से कौन सी कार की और बाइक की, मतलब कैसी बैटरी है? मतलब मेरे को हिसाब से ये पेट्रोल कार से आती है। अच्छा, ये सारे डीजल कार से आती है, हैवी कार। मतलब क्या पेट्रोल और डीजल की भी अलग बैटरी होती है क्या? अच्छा, इंजन के हिसाब से होता है। अच्छा अच्छा, पेट्रोल इंजन हल्का होता है तो उसके लिए छोटी बैटरीज आती है। जैसे और वो वाली जो काले वाली बैटरीज है, वो ट्रक में लगती है, ट्रैक्टर्स में, महिंद्रा ब्लेरो। अच्छा, जितनी हैवी गाड़ी होती जाएगी उतनी बड़ी बैटरी लगती है। अच्छा अच्छा, फॉर्च्यूनर में होगी, एंडेवर में होगी, सब कॉन्सेप्ट की बैटरी है। ओके, तो ये है भाई, भाई के पास एमेरॉन और एक्साइड ना? एक्साइड। तो एमेरॉन और एक्साइड। और ये क्या चीज़? क्लीनिंग मशीन है, गाड़ी के इंजेक्टर्स होता है ना पेट्रोल कार के। हाँ, ये एक बार मेरी गाड़ी ना फंस गई थी, मतलब मेरे एक दोस्त की थी वरना गाड़ी, तो उसके इंजेक्टर जो थे वो निकल ही नहीं रहे थे। ये निकालने के लिए भी होती है क्या? ये क्लीनिंग के लिए होती है। क्लीनिंग के लिए उसमें दोनों काम हुए थे, एक तो उसको निकाला था, तो निकालने के लिए पानीपत से स्पेशल बंदा बुलाया था हमने, और फिर उसके बाद क्लीन करवाया था। मतलब वो ऑयल होता है ना, उससे क्लीन होती है, केमिकल आता है इसका स्पेशल, मशीन में डलते हैं। आज 5 से 6 साल पहले की बात है, अराउंड अराउंड उस टाइम तो थी ही नहीं ना कोई मशीन यहाँ पे, बट यहाँ पे तो मैंने गिने चुने बंदों के पास है ये मशीन, हमें तो पता ही नहीं था। तो ये तो एक और कमाल की चीज़ है, ये भाई के पास ना ये इंजेक्टर क्लीनिंग की है। जो लोग अपना इंजन जो होता है ना, इंजन की जो चेसी होती है, वहाँ पे जो अपना इंजेक्टर होता है, जो बस करता है, जो अपना स्प्रे करता है फ्यूल को, और उसके बाद वहाँ पे बस्ट होता है, और बस्ट होने के बाद इंजन जो है वो चलता है, जो पंपिंग होती है बेसिकली, जिसे कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बोलें तो। तो ये है सोनीपत में, मुझे पता ही नहीं था कि ये मशीन्स भी हैं, क्योंकि बेसिकली कमी होती हैं। तो बैटरी, इंजेक्टर क्लीनिंग और बेसिकली सारा काम। अच्छा अच्छा, ये सेल्फ अल्टीनेटर पार्ट्स, ये सेल्फ अल्टीनेटर पार्ट्स हैं चार्जिंग के लिए, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है भाई के पास। अच्छा, पुराने भी हैं, नए पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, ये तो सही है। ये देख लो आप, पूरा का पूरा मतलब सारा लॉट है भाई के पास। भाई जा ही रहे थे तो इन्होंने बोला यार आप ब्लॉगिंग करते हो तो मेरा भी दिखाना एक बार, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, चलो दिखाते हैं। तो होप सो इससे किसी को हेल्प मिलेगी। तो भाई ये तो था बैटरियों का काम, दीना बैटरीज के नाम से थी भाई की शॉप। तो सीएनजी का अपना काम तो हो गया यहाँ पे, अब तो हम आगे चल पड़े, और एक स्टेयरिंग का काम और करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, देखूँगा इस वीडियो में डालता हूँ, इसमें डल गया तो इसमें सही, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तो अगर किसी भाई को सोनीपत में स्पेशली काम हो तो भाई करवा लेना उनसे काम, बैटरी का अच्छा लगे आपको तो।
बाकी बढ़िया बंदे थे, बात करने में अच्छे थे, और अमेजोन एमेरॉन और एक्साइड थी, ओरिजिनल बैटरीज थी उनके पास, तो ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल होती है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, राम राम।